श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक एमटेक एमसीए एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ गंदी हरकतें करने वाली वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में जनता का गुस्सा उबल रहा है और महिलाओं में खासकर इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। देश के प्रधानमंत्री भी इस घटना की निंदा कर चुके हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी ऐसा आश्वासन दे चुके हैं। इस मामले में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के खंडवा में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया। सर्वधर्म की महिलाओं द्वारा आज भारी संख्या में एक रैली निकाली गई, रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची और इस मामले में ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग सर्वधर्म की महिलाओं द्वारा की गई। आइए इस दौरान किस तरह की बातें हुई, महिलाओं द्वारा किस तरह का विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया, सुनवाते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग मध्य प्रदेश जिलाधीश महोदय खंडवा विषय मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे दरिंदगी एवं अत्याचार के विरोध में ज्ञापन। आशा करते हैं कि ये हमारा ज्ञापन आप जिलाधीश महोदय तक तुरंत पहुंचाएंगे। इतने अधिक संख्या में सभी धर्मों की महिलाएं यहां पर आज शांतिपूर्ण जुलूस रैली के रूप में प्रशासन के पास अपना ज्ञापन सौंपने आई है और इस रैली का हमारा उद्देश्य यही था कि मणिपुर में पिछले 70-80 दिनों में विगत दिनों में जो अहिंसा हिंसापूर्ण जो घटनाएं हुई है और विशेष रूप से पिछले जो 4 मई का वीडियो जो अब वायरल हुआ है उस वीडियो में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र भीड़ के द्वारा नंगा घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिससे हम महिलाएं समझती है कि केवल मणिपुर की महिला नहीं लेकिन हम भारत की हर एक महिला को चोट पहुंचा है, हम उससे आहत हुए हैं, उस घटना से हम क्रोधित हैं और उस घटना की हम निंदा करते हैं और हम शासन से प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आगे चलकर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, हमारी मणिपुर की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिले, उनको न्याय मिले, उनको स्वतंत्रता से जीने का एक मौका मिले, अधिकार मिले, ऐसा एक विरोध लेकर आज हम सब महिलाएं प्रशासन को अपना हमने यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपा है कि उन मणिपुर की महिलाओं को मणिपुर की बेटियों को वो बचाए और इस तरह की घटना पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगे। आपका बच्चा मैं राजकिशोरी तिग्गा, मैं खंडवा शहर से। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर आंगन छत बालकनी पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी मुंदी रोड सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास पदम नगर इंदौर रोड खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।